ये क्या चीज है? अच्छा ये इसका कुंडा, ये वाली कितने की है? ये वाली और ये वाली पड़ेगी 1700 रुपए की। ये 1700 की, ये 1200 की। अच्छा ये लकड़ी वाले में इसका फिर ये ढक्कन ये यूं उठेगा, यूं उठेगा मतलब यहाँ से उठेगा? हाँ, ये ढक्कन है ना, हाँ यूं उठेगा। इधर कब्जा टाइप बना है ना, अच्छा ये पेटी टाइप बना है, यही उठेगा। अच्छा यूं करके ढक्कन लगेगा है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा दिख तो रहा नहीं है इसमें। अच्छा ये जो ये नीचे को है ये वाला बना है ना? अच्छा 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 मैं समझ गई। अच्छा ये यूं उठेगा, ये कांच का सा है, है? अच्छा ये हाँ प्लास्टिक टाइप का। बोलो बोलो, दो लेने हैं ना, एक तो हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ इस वक्त दिल्ली में, और जैसा कि आपको पता है कि हम ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, तो फाइनली हमने टिकट बुक कर ली है अपनी, और जो हमारी टिकट है वो हुई है हमारी 1 लाख की, दोनों जनों की। तो हम जा रहे हैं श्रीलंकन एयरलाइंस से। तो दोस्तों हम पहले दिल्ली से जाएंगे श्रीलंका, हमने वहाँ से दूसरा जहाज़ चेंज करना है, तो वो वाला जहाज़ हमारे को 2 घंटे बाद मिलेगा। तो 2 घंटे का हमारा वहाँ स्टे है, तो उसके बाद वहाँ से फिर दूसरे जहाज़ से हम जाएंगे सिडनी एयरपोर्ट। तो अब मैं इसमें सामान भरने वाली हूँ जो मैं लेकर आई थी। तो सबसे पहले तो दवाइयाँ, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है तो मैं बीपी की गोलियाँ ले जाती हूँ। तो दोस्तों आप कभी भी दवाई लेते हो, अब जैसे मैंने अपनी ये दवाइयाँ ली है, ये मेरी बीपी की दवाई है, तो जैसे आप ये दवाइयाँ आप अपनी लेके जा रहे हो तो इसके साथ डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको एयरपोर्ट पे रोक के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो और कभी भी आप अपने बैग में जब सामान डालते हो तो जो ये दवाइयाँ हैं, अगर इस टाइप का आपका बैग है तो सबसे ऊपर दवाइयाँ डालते हैं, ताकि अगर चेकिंग हो तो वो आप ऊपर से ही अपना ऐसे दिखा सको, मतलब फटाफट निकाल के उनको दिखा सको। अगर आप अंदर रख दोगे दवाइयाँ वगैरह तो दिक्कत होगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे बैग खुलवा सकते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए दवाइयों को हमेशा आगे के उसमें रखना चाहिए, आगे की जेब में। तो दोस्तों हमारी ख़रीदारी हो गई है, और मैंने आपको पुरानी वीडियो में अपना बताया था कि मैं बैग लेने वाली हूँ, तो वो बैग मैंने नहीं लिया, क्योंकि हमारा जो बजट हमने बना के रखा था उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, तो इसलिए बैग नहीं लिया, क्योंकि टिकट भी थोड़ी महंगी पड़ी हमें। तो इसलिए हम अब अपना एक यही पुराना बैग ले जा रहे हैं, क्योंकि सामान की मात्रा इस बार कम करवा दी गई है, तो इसलिए एक बैग ये हो गया, 2 हमारे छोटे छोटे हो गए। तो देखते हैं, या तो क्या पता 2 ही बैग लेके जाएँ, क्योंकि सामान कम है तो इसलिए 2 ही बैग लेके जाएँ। तो ख़रीदारी मैंने कर लिया है, देखो ये अपनी बेटी के यहाँ के लिए ख़रीदे हैं मैंने, ये हैं चादरे। तो ये जो चादरें होती हैं वहाँ पे काफ़ी महंगी होती हैं, तो इसलिए मैं अपने इंडिया से ही चादरें लेके जा रही हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान ख़रीदा है। अभी फाइनल पैकिंग नहीं है ये, अभी तो ये खाली ऐसे डाल रहे हैं। तो ये मैंने लिया है कंबल का कवर, समझ सकते हो, या रजाई का, ये कवर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ठंड पड़ती है, 9-10 महीने तक ठंडा ही रहता है वहाँ पे, हमें तो लगता है भी बहुत ठंडा, बाकी हो सकता है कि वहाँ जो रहते हैं लोग उनको थोड़ा ना लगता हो इतने महीने, हमें तो लगभग 9-10 महीने तक ठंडी लग रही थी वहाँ पे, तो इसलिए ये कवर लेके जा रहे हैं। और तो मेरे सूट का सामान है, ये है मेरे नाती के लिए बिस्किट, ये तो दवाइयाँ हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया में हर तरह का सामान मिल जाता है। अगर आप इंडियन हो तो इंडियन वहाँ ग्रोसरियाँ हैं बहुत सारी, और आप जो भी सामान लेना चाहो, ऐसा नहीं है कि कोई भी सामान ना मिले, आपको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अपने इंडिया से ले जाने का 2 फ़ायदे हैं, एक तो क्या है कि हमारा जो इंडिया का पैसा है वो इंडिया में रहे और इंडिया में पैसा आए, दूसरा फ़ायदा ये है कि वहाँ पर महंगा मिलता है सामान तो यहाँ से हमें सस्ता पड़ता है, और जब हम जा रहे हैं तो हम ले जा सकते हैं, तो इससे 2 फायदे हैं, है ना। ये लिए मैंने एक मसालेदानी, तो कवर को हटा देते हैं, वैसे तो इसका वेट इतना नहीं है लेकिन फिर भी इसको हटा देते हैं। तो ये देखो, ये मैंने मसालेदानी ली थी यहाँ से, इसको इसी के अंदर हम पैक करेंगे।
तो ये मैंने लिया अपने नाती के लिए इनर, दो जोड़ी इनर नहीं मिलते वहाँ पे, क्योंकि इनर तो मैंने देखे नहीं, तो हो सकता है कि इंडियन ग्रॉसरी में इनर भी मिलती हो शायद, बाकी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे ये देखने तो गई नहीं, यहीं से ले जाती हूँ मैं जब भी जाती हूँ तो अपने नाती के लिए यहीं से लेके जाती हूँ, तो मैं दो जोड़ी लेके जा रही हूँ उसके लिए। और ये है चाय छाननी, दो चाय छाननी। पैकिंग मैं अभी दोबारा करूँगी, ये मैं खाली आपको दिखा रही हूँ, फिर इसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा क्योंकि ताकि कोई सामान टूटे फूटे ना, जैसे ये बिस्किट हैं ये टूटे ना। और देखो ये लिए मैंने कुर्ते पजामे, ये देखो ये होली के लिए, होली खेलने के लिए, जब वो होली खेलेगा हमारा नाती तब के लिए। और ये प्यारी सी ड्रेस ली है मैंने, जो मेरी बेटी की फ्रेंड है उसके होने वाले बच्चे के लिए, और प्यारी प्यारी ड्रेसें ली हैं, तो ये ख़रीदारी करी है मैंने, ये ड्रेसें हैं, दो ड्रेसें, ये चादरें हैं, तो इनको तो ऐसे नीचे लगा देंगे, अभी मैंने दोबारा से इसको पैक करूँगी। और ये जो चादरें हैं ये फुल साइज़ की चादरें हैं, मतलब बड़ी बड़ी चादरें, क्योंकि वहाँ के जो गद्दे होते हैं वो लगभग इतने मोटे मोटे गद्दे होते हैं, हमारे यहाँ के गद्दे इतने से होते हैं, 9 इंची होते हैं, वहाँ के गद्दे इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब बहुत मोटे गद्दे होते हैं वहाँ के, तो उसके हिसाब से मैंने ये चादरें ली हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो मैंने चेंज करानी, जैसे ये है देखो इसका साइज़ ये है, तो ये है 108 बाई 108, तो ये मोटे मोटे गद्दों में, और बड़ा जो किंग साइज बेड होता है उसके लिए लिया है मैंने ये। और एक ये चादर लिया है ना, और ये भी गिफ्ट लिया है किसी को गिफ्ट देने के लिए, ये मच्छरदानियाँ हैं, बहुत ही प्यारी सी हैं। अभी जो मेरी पिछली वीडियो है, पुरानी वीडियो मतलब, जिसमें मैंने दिखाया था कान्हा जी के मंदिर का, वहाँ से मैंने सामान लिया था, तो ये सामान ख़रीदा था मैंने अपनी बेटी के मंदिर के लिए, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ क्या क्या ख़रीदा है वहाँ से। तो वहाँ से ख़रीदा है हमने चंदन की डब्बी, और ये कछुआ है जो क्रिस्टल का होता है, जो कांच का सा कछुआ होता है ये वो है, और ये चंदन का टीका है। और अभी आने वाली है राखी, तो ये राखियाँ ख़रीदी हैं। और ये है सजावट के लिए छोटी छोटी सी छतरियाँ, ये सजावट के लिए, इस तरह से लोग सजाते हैं घर में, तो ये सजावट के लिए ख़रीदी है। एक ख़रीदी है ये धूप बत्ती, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है, जब दुकान में हम गए तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, उनके यहाँ जब धूप जल रही थी तो उसकी खुशबू से कई ग्राहक भी वहाँ खींचे चले आए थे, तो वही मैं भी एक लेके जा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी है, और अगर बच्चों को पसंद आएगी तो फिर अगली बार बच्चों के लिए या तो मंगवा लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं कहीं पे भी, मतलब विदेश जो विदेशी लोग हैं वो भी मंगा सकते हैं, तो मैं भी मंगाऊंगी, या फिर हम यहाँ से ख़रीद के ले जाएंगे दोबारा फिर गए तो। तो दोस्तों ये मैंने लिए थे उत्तराखंड से, मतलब कि जो हमारा गांव है, आपने मैंने आपको बीरू खाल का बाज़ार दिखाया था, वहीं से मैंने ख़रीदे थे उस दुकान से। ये अपनी बेटी के लिए ख़रीदे हैं, दो गले के और ये हाथों के हैं, पोची बोलते हैं इनको, और ये है नथ, ये देखो और कितने खूबसूरत डिज़ाइन है इनके, तो ये भी मैंने ख़रीदारी करी थी वहाँ से। ये देखो तीन सूट लिए हैं, हाँ, दो पैंट कमीजें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं कैसी लगी। अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे ऑस्ट्रेलिया जाते हुए।